धन्यवाद सर। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 स्पष्ट है जी। तो मैं ज्यादा औपचारिकता में नहीं पढ़ते हुए अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। साथी राजानंद संस्थान, UHV टीम, AICT की जो टीम है उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोगों के माध्यम से हमको एक ऐसा सुनहरा अवसर मिला कि हम अपने कामकाज को, अपने समझ को, खुद को कुछ कुछ विकसित कर पाए। मैं राजानंद संस्थान में डायरेक्टर हूँ, परंतु मैं राजानंद संस्थान के बारे में अब बात नहीं करूँगा, क्योंकि राजानंद संस्थान के बारे में सोमानी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो पहले ही काफी राजानंद संस्थान की चर्चा कर चुके हैं, और चूंकि हमारे सभी प्रतिभागियों की अपेक्षा इस कार्यशाला से बहुत अधिक है और इस कार्यशाला के प्रति उनकी उत्सुकता बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि इस कार्यशाला में जो मेरे अनुभव रहे हैं, अगर मैं उसी पर बात करूंगा तो वो मेरे प्रतिभागियों के लिए और हमारी टीम के लिए ज्यादा सार्थक होगा। तो साथियों, मुझे जो 26 मई से 5 दिवस की कार्यशाला थी, उस कार्यशाला को मैंने अपने मतलब पूर्ण संतोष और अपने भरपूर मन के साथ 100% डेडिकेशन से उस कार्यशाला को मैंने अटेंड किया, और उससे मेरी कई उपलब्धियां रही। पहली उपलब्धियां तो ये रही, जो बात अभी कई बार हालांकि चर्चा में आ चुकी है, और जब हम कई लोग कई विषयों पर बात करते हैं तो विषय तो लगभग फिर वही होते हैं, परंतु फिर भी मैं अपनी बात को अपने तरीके से कहना चाहता हूं। तो मेरी पहली उपलब्धि ये रही कि मैं ये जान सका कि मैं कौन हूं। अभी तक मैं अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर, सामान्य नॉलेज के आधार पर, परंपराओं के आधार पर, किताबों के आधार पर, गीता पढ़ने के आधार पर जानता था कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ, इंद्रपाल सिंह कुछ अलग है, शरीर कुछ अलग है, हमारी एक आत्मा है, परंतु इसका कोई अनुभव नहीं था, इससे कन्विंस्ड होने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था। इसलिए हमेशा से ही मैं इस द्वंद्व में रहता था कि कभी मुझे लगता था कि मैं आत्मा हूँ, कभी मुझे लगता था कि मैं शरीर हूँ, जड़ हूँ। परंतु इस UHV टीम में जब कुमार संभव भैया जी ने हमको ये बताया कि शरीर की आवश्यकताएं अलग हैं, चैतन्य की आवश्यकताएं अलग हैं, शरीर की पूर्ति अलग तरीके से होती है, चैतन्य की पूर्ति बहुत अलग तरीके से होती है, तो शायद मेरा वो सब द्वंद समाप्त हुआ और मैं सही अर्थ में समझ पाया कि वास्तव में शरीर अलग है, चेतन अलग है, इस शरीर में एक और व्यक्ति रहता है जिसको राइट अंडरस्टैंडिंग की समझ है। तो मेरा सबसे पहला अनुभव ये रहा कि जिसे नहीं थी, तो मैं सबसे इस वर्कशॉप के माध्यम से मैं क्या हूँ, चेतन क्या है और शरीर क्या है, इस बात के विभेद को मैं बहुत भली भांति समझ पाया और इससे मुझे बहुत व्यक्तिगत लाभ मिला। दूसरी बात भी लगभग इसी से जुड़ी हुई है कि जब भी मन में कई तरह के विचार आते थे, विषाद होता था, खुशी होती थी, घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती थी, कार्यालय में होती थी, तो ये बात बहुत बार आती थी कि आप साक्षी भाव से देखिए। हालांकि मेरा पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न लगभग एक जैसा ही है, तो मुझे इस बात का भी बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि मैं हूँ, मेरा मन है, यही सोच रहा है, यही गुस्सा कर रहा है, इसमें साक्षी भाव से देखने की क्या बात है। तो जब चेतन और शरीर के बारे में मुझे क्लैरिटी हुई, तो आज मैं वास्तव में जब भी अपने कार्यकलाप में कुछ करता हूँ तो मैं साक्षी भाव से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप को समझ पाता हूँ, और मैं ये देख पाता हूँ कि हाँ वास्तव में सही क्या होना चाहिए था और मैंने क्या किया है, इसके भी मेरी बहुत अधिक समझ विकसित हुई और जिसका मुझे बहुत व्यक्तिगत लाभ मिला। तीसरा, जो UHV की टीम से मुझे, मैं जिस बात से सर्वाधिक प्रेरित हूँ वो हूँ इनके उस प्रयासों से, इनकी उस बुद्धिमत्ता से, इनके उस इंटेलेक्ट से, टैलेंट से, कि पूरी वर्कशॉप में शायद कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसका संतुष्टिप्रद उत्तर वो ना दे सके हूँ। ऐसा अमूमन मैंने किसी भी कार्यशाला में नहीं देखा। तो उतने अथक प्रयासों के लिए मैं UHV टीम को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, और हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। बहुत सारे शब्दों और भावों को हम समझते रहे हैं, दया क्या है, करुणा क्या है, कृपा क्या है, कृतज्ञता क्या है, इन चीजों को हम कैसे समझें,
और हमारे व्यावहारिक जीवन में ये सब क्या महत्व रखती है और इनमें क्या विभेद है, ये बात भी हम UHV टीम के साथ जब संपर्क में आए, 5 दिवस का हमने शिविर अटेंड किया, तो इन शब्दों से संबंध में हमारी जो समझ थी वो काफी विकसित हुई। और इससे मैं ये समझ पाया कि सृष्टि का कोई भी शब्द वेस्ट नहीं है। अगर कोई भी शब्द सृष्टि में है, प्रचलन में है, तो उसका अपना एक अर्थ है, उसका अपना एक प्रयोजन है, आवश्यकता उसको समझने की है और उसको प्रयोग करने की है। हम लोग राजानंद संस्थान की बात करते हैं, पर राजानंद संस्थान में आनंद के साथ साथ किस प्रकार से निरंतर सुख तक पहुंचने की बात है, ये भी हमने UHV टीम की कार्यशाला से ही सीखा है कि आनंद से आगे का भी एक स्टेप है जिसको हम सुख कहते हैं और जो निरंतर सुख की परिभाषा में आता है। तो बस मैं अपनी बात को केवल इतने ही शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये कार्यशाला हम सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे अनुभव में हम इन चीजों को लेकर के आना चाहेंगे। मैं तो अब कोई भी काम करता हूं, जब जो मेरी पुरानी आते हैं कि शॉर्टकट मार दिया सड़क पर अथवा रेड लाइट पर खड़े हुए हैं तो मन में बहुत तरह का इरिटेशन आ रहा है, तो मैं अब इन सब चीजों को देख पाता हूँ और समझ पाता हूँ कि इसके पीछे सही अंडरस्टैंडिंग क्या है और मेरी क्या भूमिका है। तो इन सब चीजों को दिन प्रतिदिन के अनुभव जब मैं करता हूँ, इससे मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आए हैं और मैं एक सुखपूर्वक जीवन जीने में पूर्ण रूप से तो सफल हुआ हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु तो मेरे सामने जो भी समस्याएं आती हैं मैं उनको विषय के रूप में लेता हूँ और उस पर अपनी सही समझ मेरी क्या है उसके आधार पर विचार करता हूँ और उन चीजों से मतलब सामान्य रूप से अधिकांश अवसरों पर मैं बाहर निकल पाता हूँ और एक सुख और संतुष्टि का अनुभव मैं मेरे जीवन में करता हूँ। ये सारी की सारी देन के लिए मैं UHV टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है जो मैं अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल। जी जी धन्यवाद सर। सर आपका अनुभव सभी को प्रेरणा देगा, सभी प्रतिभागियों को प्रेरित करेगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री प्रवीण गंगराड़ी जी का, निर्देशक राज्य आनंद संस्थान का। सर आपका अभिनंदन है। जी नमस्कार सभी को, सभी UHV टीम, AICTE टीम, सभी का बहुत बहुत आभार है और सभी मेरे साथियों को बहुत सादर अभिनंदन है। मेरे जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव की बात है UHV के साथ, तो मेरा पहला जुड़ाव तो वर्ष 2016 से है। मैंने पहला शिविर तो अप्रैल 2016 में किया था। इससे जुड़ने का लिए भी जैसा कि हम सभी लोग कुछ न कुछ जानना ही चाहते हैं जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में, और इसके लिए पढ़ते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ते हैं, कुछ लेक्चर सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो मैं भी इसी क्रम में कुछ जानने समझने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जीवन को समझा जाए, और जब जीवन को समझ लेंगे तो ही मुझे लगता था कि ठीक ढंग से हम सुखपूर्वक खुद भी जी पाऊंगा और लोगों को भी सुखी कर पाऊंगा। परंतु मुझे लगता था कि जितना मैं पढ़ता था तो कुछ चीज़ समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी, तो दूसरे लोगों से समझता था, तो हर व्यक्ति अलग ढंग से व्याख्या करता था, सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं होती थी, कोई ऐसा नहीं मिल रहा था कि जो एक सही ढंग से मुझे कोई जीवन के बारे में समझा पाए, तो मैं खोज में ही था। फिर मुझे कई बार ऐसा लगता था कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जैसे शिक्षा व्यवस्था में पढ़ते ही हैं, यदि मुझे फिजिक्स पढ़ी तो मैंने उसमें 17-18 साल लगाए, मैथ्स पढ़ा या कोई कॉमर्स पढ़ रहा है या कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, तो कई कई साल हम उसको पढ़ने में लगाते हैं एक विषय के रूप में। तो मुझे लगता था कि जीवन को भी कोई एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता है क्या? क्या जीवन को भी एक विषय के रूप में रखा जा सकता है जिसका एक सिलेबस हो, जिसका एक व्यवस्थित क्रमबद्धता हो, जिसमें जिसको हम कुछ फंडामेंटल समझ पाए तो जीवन आसान हो जाए? परंतु कहीं मिल नहीं रही था मुझे, तो मैं इसी की खोज में था कि कोई एक ऐसी चीज मिल जाए मुझे। तो फिर मैं UHV के संपर्क में आया और फिर मैंने शिविर किया, तो मुझे लगा जब मैंने पहली बार किया कि इसी चीज की खोज कर रहा था मैं, बड़ा मतलब जैसा भी कहा कि बड़ा प्रस्ताव के रूप चीज़ें रखी गई। और सबसे पहले अच्छी जो पहली बात मुझे कही कि मानना नहीं है, इसको पहले आपने जांचना है। तो अभी तक हमारी जो परंपरा है या हमारा जो अभ्यास है, जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं लिखते हैं या जो हम लोगों को सिखाया जाता है कि नहीं भाई ये हमारे परंपरा में है या ग्रंथों में लिखा है, तो इसको मान लो भाई, अभी इस पर ज़्यादा प्रश्न मत करो।
पर यहाँ तो प्रश्न करने की बात कह रहे हैं, इसको जांचने की बात कह रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो फिर मैंने इसको शुरुआत की, तब जब शुरू किया तो बड़ा मतलब लगा कि यही चीज की खोज में कर रहा था, क्योंकि ये बड़ा तर्क संगत था, बहुत साइंटिफिक ढंग से पूरी बात रखी गई। और फिर लगा कि ये तो बहुत व्यवहारिक भी है, कि इसको यदि जीवन के लिए यदि मैं जीना जाता हूँ तो जीते भी बनता है मुझे, मतलब ऐसा कोई बहुत थ्योरी या ये नहीं लग रहा था। तो ये सब लगा मुझे, और उसके बाद मैंने अपना अभ्यास में इसको क्रम में जब लाना शुरू किया तो मेरी बहुत सारी मान्यताएं टूटी। निश्चित रूप से मान्यताएं टूटती है तो थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि बड़ा अटैचमेंट होता है हमारी पुरानी मान्यताओं के साथ। कुछ ईगो भी होता है कि मैंने ये मान रखा है या मुझे ये सिखाया गया है तो यही सही है। परंतु जब ये धीरे धीरे इसको मैंने जांचा और इसको सही के प्रस्ताव के रूप में मुझे कोई चीजें मिली तो मुझे समझ में आया, और बड़ी फिर उसके बाद जीवन में सरलता आ गई। तो मैं यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये भी सभी तक ये विषय इसी ढंग से पहुँच पाएगा और सभी के लिए लाभदायक होगा, और सभी के जीवन में जो सुख जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उस सुख की प्राप्ति हो पाएगी। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके व्यक्तिगत अनुभव से सभी के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक है। और मैं आगे बढ़ते हुए अब आमंत्रित करना चाहूंगा जी श्री सत्य प्रकाश आर्य जी को, एडवाइजर हैं राज्य आनंद संस्थान से। सर से अनुरोध है कि कार्यशाला का अनुभव और मूल्यांकन अगर रख पाए तो। नमस्कार सर। नमस्ते, सभी को नमस्ते। मुझे लगता है कि समय हम लोगों ने 11 बजे तय किया, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो प्रवीण जी और इंद्रपाल सर ने जो बातें कही हैं लगभग वही अनुभव मेरा भी है। और मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो पिछले कार्यशाला और उसके पहले भी एक दो बार मैं जुड़ चुका हूँ, जो आवासीय कार्यशाला होती थी उसमें शिविर में, तो मुझे सबसे अच्छा जो लगा कि चारों स्तर पे जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को एक बार जब समझ में आ जाता है, वो दृष्टि के सामने रहता है, तो फिर बड़ा आसान होता है कि हम कैसे, मतलब मेरे लिए बहुत आसान हो गया था कि हम कैसे उस व्यवस्था के साथ तारतम्य बना के उसकी संगतता में कैसे जी सकते हैं। और उसके बाद से ही करीब 2-2.5 साल हो गए मुझे, अब हर क्षण जब भी मैं कोई भी कार्य करता हूँ या कोई भी संबंध निभाता हूँ, तो भाव के साथ मुझे ये देखता हूँ कि ये क्या व्यवस्था के अनुकूल है या इसके विरोध में जा रहा है, क्योंकि वहीं से तय हो जाता है कि इससे मुझे सुख मिलने वाला है या विरोध में जाके मुझे दुखी होना है। ठीक ऐसे ही संबंधों में जो भाव है, मैं केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि पिछले समय से जो लॉकडाउन लगा, तो उस दौरान हमारे घर में जो सहयोगी दीदी आती थी, वो उनका आना बंद हो गया। तो उस अवस्था में घर के सारे काम हम लोगों ने बांट लिया आपस में। तो मेरे जिम्मे घर में बर्तन धोने का और खाना बनाने में पत्नी का सहयोग करने का काम मिला। तो सुबह उठ के जब मैं बर्तन धोता था, तो ढेर सारे बर्तन, और मुझे लगता था कि अरे यार ये कहाँ ये सब इतने सारे काम आ गए हैं मेरे जिम्मे। लेकिन जैसे ही मैंने भाव के सामने उसको रखा कि हमारा जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे संबंध में हैं, उनके प्रति हमारा ममता का वात्सल्य का भाव है, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इनके शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए आवश्यक है, तो फिर वो उस काम को करने में मुझे आनंद आने लगा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये मैं बर्तन नहीं धो रहा हूँ बल्कि अपनी भाव व्यक्त कर रहा हूँ जो मेरे बच्चों के प्रति, मेरे परिवार के लोगों के प्रति ममता का है। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं, मतलब मैंने सोचना शुरू किया, तो धीरे धीरे स्वयं में आनंदित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई और मैं उसको महसूस भी कर सकता हूँ बड़े अच्छे से। ठीक ऐसे ही जब आगे बात होगी कि आवश्यकता का आकलन जब हम करते हैं, और एक बार जब आवश्यकता का आकलन चारों व्यवस्थाओं में प्रकृति के साथ, खास तौर से जो हमारे संबंध हैं उस व्यवस्था के अनुकूल जब हम अपनी आवश्यकता का आकलन कर लेते हैं, तो समृद्धि का भाव अपने आप जागृत होता है। उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, और न केवल समृद्धि बल्कि अभय, जिसके बारे में काफी बात हुई कि अभय जब होता है तो वहां पे सुख साथ में जुड़ जाता है। तो ये मेरे साथ हो रहा है और मैं निरंतर इस प्रक्रिया में हूँ कि जैसे जैसे चीजें ज्यादा साफ होती जा रही हैं, वैसे वैसे वो सुख की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना था। और
उम्मीद है कि इस कार्यशाला में जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद।